नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भोपाल की ईदगाह हिल्स से उठी नाम परिवर्तन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ईदगाह हिल्स के अलावा होशंगाबाद और इंदौर की खजराना इलाके का नाम बदलने की मांग सांसद शंकर लालवानी ने कर दी है। शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर के प्रसिद्ध भगवान गणेश के मंदिर से इंदौर की पहचान देश और दुनिया में है, लिहाजा लोगों की मांग को देखते हुए खजराना इलाके का नाम भी गणेश नगर या गणेश कॉलोनी होना चाहिए, लेकिन गणेश मंदिर के बीच आ जाता है खजराना। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर शहर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने मूल पहचान की जगह किसी और नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह प्रसिद्ध गणेश भगवान के मंदिर के बीच में खजराना आ जाता है, जबकि है वो गणेश नगर, इसलिए वहां के लोग भी चाहते हैं कि इसका नाम गणेश नगर ही किया जाए। पुराने इतिहासकारों के अनुसार होलकर वंशजों ने इस इलाके में स्थित एक कुएं में अपना खजाना छुपा कर रखा था, जिसके चलते धीरे धीरे खजाना से खजराना नाम पड़ गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि यहाँ स्थित खजराना दरगाह से इलाके का नाम खजराना पड़ा। हालांकि इतिहासकारों के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है खजराना? देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चली वहाँ नामों का जो मूल नाम थे बदले गए हैं, और इंदौर में भी कई कई क्षेत्रों में बात आती है इस प्रकार की कि जो वहाँ के क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र, उसको वो नाम न लेते हुए दूसरा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे देश का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है और हम खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं, पर वो खजराना बीच में आ जाता है, लेकिन है तो वो गणेश नगर। और वहाँ के लोग भी हमेशा आते हैं कि इसका नाम गणेश कॉलोनी किया जाए, गणेश नगर किया जाए। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है, वो करना चाहिए। आपकी तरफ से कुछ प्रस्ताव? नहीं, अच्छा है अगर लोगों की ये बात आती है कि इसको गणेश नगर होना चाहिए तो अच्छा है। और इतना फेमस मंदिर है हमारा, प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों जनता जाती है वहाँ, आस्था का निशान वह प्रश्न है, तो मुझे लगता है होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।